हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइल ऑप्शंस इन एमएस वर्ड। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइल ऑप्शंस में क्या क्या और भी ऑप्शंस हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग विथ एग्जाम्पल्स। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एक होम का बटन है, तो होम पे जो भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखा है वो सब शो करता है। तो मैंने ये डिस्कस कर रखा है न्यू में। जैसे आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको स्टार्ट करना है, ओपन करना है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे थीम्स दिए हुए रहते हैं जो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से ओपन है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन करना चाहते हैं, जो भी आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है वो सब शो करता है, तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आज यहाँ से हमारा सीखने का है कि इन्फो में क्या होता है। इन्फो में यहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे आपके कितने पेज हैं, क्या साइज है उसकी, कितने वर्ड्स लिखे हैं आपने, टोटल इन्फॉर्मेशन एक पेज के बारे में सारा यहाँ पे दिया हुआ रहता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वर्जन हिस्ट्री, मैनेज डॉक्यूमेंट, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो, वो सारे ऑप्शंस शो कर रहे हैं, तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। उसके बाद हमारा है सेव। तो हम जो भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं तो वो हमारा सेव में चला जाता है। पर बात यहाँ पे ये है कि सेव और सेव आए दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं तो वो सेव भी कर सकते हैं और सेव एज भी कर सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि आप सेम डॉक्यूमेंट्स को अगर आप दूसरे फाइल में या फिर दूसरी जगह पे, कोई दूसरे लोकेशन पे आप सेम डॉक्यूमेंट्स को रखना चाहते हैं तो आप सेव एज करेंगे। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है तो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। ये शेयर तभी होगा जब आपने आउटलुक पे आईडी बना रखा होगा। उसके बाद है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एज अ पीडीएफ किस फाइल फॉर्मेट में करना चाहते हैं। पीडीएफ में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से क्लोज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा ऑप्शन था, फाइल के ऑप्शन में था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग होम बटन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।